नेक्स्ट टॉपिक है कॉलम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी, कॉलम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। चार्ज जो कोई भी दो चार्ज थे, चाहे लाइक हो चाहे अनलाइक हो, चाहे एक चार्ज हो एक न्यूट्रल बॉडी हो, उनके बीच में तब भी क्या हो रहा था, फोर्स लग रहे थे। किसी में अट्रैक्टिव फोर्स थे, किसी में क्या थे, रिपल्सिव फोर्स थे। जब फोर्सेज लग रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगी भी फोर्सेज की, ठीक है। तो वैल्यू निकालने के लिए हमने एक फार्मूला बनाया हुआ है यहाँ पे कॉलम्स ने। तो क्या था, देखिए चार्ज को रिप्रेजेंट किया जाता है अभी क्यू से भी, स्मॉल या कैपिटल दोनों वर्ड यूज करते हैं इसके लिए हम लोग। ये चार्ज क्यू वन है अभी, ये चार्ज कौन सा है क्यू टू, ये इनकी वैल्यू है मैग्नीट्यूड की टर्म में भी, और ये इनके बीच का डिस्टेंस है अभी, इट इज आर। हो सकता है कि दोनों चार्ज लाइक हों तो रिपल्सन होगा, हो सकता है दोनों के चार्ज क्या हों लाइक्स हों भी तो क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, कुछ ना कुछ तो होगा भाई। इस वर्ड के लिए हम जब पता नहीं चल रहा ना कि अट्रैक्शन है कि रिपल्सन, इसके एक वर्ड यूज करते हैं इंट्रैक्शन भी, कुछ तो करेगा भी। कर लोगे तो कॉलम्स लॉ क्या है लिख लीजिए, इट स्टेट दैट भी, इट स्टेट दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू चार्जेस, बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस, प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ये ऐसा लग रहा है पढ़ा हुआ है कुछ टॉपिक, पूरा ग्रेविटेशन ला यही था, और ये हमने करवाया भी था 5 मिनट में आपको डेफिनेशन इसका भी, ठीक है। दो चार्जेज हैं भाई क्लास, क्यू वन और क्यू टू, डायग्राम बना सकते हैं, छोटा डायग्राम बना लीजिए एक बार। तो इनके बीच में हमको चेक करना है अट्रैक्शन, अट्रैक्शन कुछ तो होगा भाई, तो कितना होगा वैल्यू, कितना होगा फोर्स का भाई, ये हमको बताना है। जो डेफिनेशन बताई गई है आपको भी, उसके अकॉर्डिंग क्या है भाई, एफ इज प्रोपोर्शनल टू किसके भी, प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेज क्यू वन इंटू क्यू टू, यस और नो। दूसरा बोला है एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, ये सिंबल डायरेक्टली के लिए, ये इनवर्सली के लिए 1/r² किया गया अभी, कर लोगे। तो इनको मैं से ले सकता हूँ एफ प्रोपोर्शनल टू क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वेयर, यस और नो। इस साइन को डालने के लिए क्या डालना पड़ेगा, कांस्टेंट डालना पड़ेगा, एफ इज इक्वल टू कांस्टेंट के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वेयर, एनी प्रॉब्लम भाई, ठीक है। के क्या है लिख दो, इतना हो गया। वेयर के इज, इसको नाम दे दो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट्स भी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल लिख दो कांस्टेंट भाई, के क्या है कांस्टेंट, पूरा लिखो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट्स भी, मर्जी है पी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं भाई। के फॉर कांस्टेंट, के फॉर के से के, ऐसा सीज लेना चाहिए ना, सीज फॉर कांस्टेंट, कुछ बना देते हैं सिंबल्स हम लोग, है ना भाई, मर्जी तुम्हारी। इसको ए लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ए इज द कांस्टेंट, सिंबल लिखने है उनको, बताना आपको, बताना पड़ेगा आपको फिर ये बात, ठीक है, कर लोगे भाई। अब यहाँ पे के है, के का वैल्यू कितना है, या इसका कुछ ना कुछ तो वैल्यू होता है कॉन्स्टेंट्स का भी। यहाँ पर यूनिट क्या हुआ के का भी क्लास, यूनिट ऑफ के, एक मिनट ऐसा ही लिख दे, दो इंट होंगे ना, लिखो डायरेक्ट लिखा हुआ है, चलो हम एस आई के टर्म लिखते हैं, इन एस आई सिस्टम यूनिट ऑफ के क्या होगी भी क्लास, यहां से फॉर्मूला निकाल सकते हो के का भी, कितना आएगा एफ बाई आर स्क्वेयर, यहां पर लिख दूं k इज इक्वल टू एफ बाई आर स्क्वेयर इंटू क्यू वन क्यू टू, यस सर नो,
निकालने का तरीका यही है। फोर्स का यूनिट क्या होता है क्लास? न्यूटन्स भी। मीटर का स्क्वायर कर लें, डिस्टेंस है भाई यार बिटवीन टू चार्जेस, ये सर नो, तो मीटर स्क्वायर। चार्ज का कॉलम्स होता है भाई, कॉलम इंटू कॉलम, कॉलम स्क्वायर, ये सर नो। तो हमारा फार्मूला बना भाई न्यूटन्स मीटर स्क्वायर पर कॉलम स्क्वायर भी, पर कॉलम स्क्वायर। ओके, वैल्यू निकाला गया एसआई सिस्टम के अंदर ही, वैल्यू निकाला गया, के का वैल्यू है वैल्यू ऑफ के, कांस्टेंट का पता आपको एक्सपेरिमेंटली निकाले जाते हैं सारे कांस्टेंट्स पे, फिक्स वैल्यू होती हैं। कितना तो भाई 9×10⁻⁹ न्यूटन्स मीटर स्क्वायर पर कॉलम स्क्वायर भी, यस और नो बता दो, एनी प्रॉब्लम भाई? याद रखोगे वैल्यू को? सही लिखा ना, 9×10⁹ हो जाएगा भी। देखो चार्ज के बीच में भी हो सकता है कि स्पेस हो, हवा हो, एयर हो, यस और नो, ये वैक्यूम हो भाई, ये मीडियम भी हो, क्या प्रॉब्लम है? हो सकता है कि चार्ज पानी में रखे हो आप लोगों ने, अब निकालो फोर्स कितना है, सही है कि नहीं है? तो इनके बीच में कुछ भी हो सकता है, उसके लिए के को डिफाइन कैसे लिखा गया देखिए, के इज इक्वल टू 1/4πε₀ नया सिंबल भी एप्साइलोन, हाँ जी कहाँ था, फर्स्ट में था एप्साइलोन ग्रीक सिंबल, और जीरो के लिए क्या बोलते हैं वहाँ पे, नोट बोलते हैं अभी, एप्साइलोन जीरो लिख दो कोई दिक्कत नहीं है, कर लोगे एप्साइलोन लिख दो, लिखना हो तो बार बार बड़ा आएगा सीख भी जाओगे, बार बार बोलूँगा इस वर्ड को मैं, एप्साइलोन ठीक है, यस सर नो हो जाएगा। yes, इसमें ये एक नया चीज़ आएगी भाई, बताना पड़ेगा ये क्या है, लिख लीजिए एप्साइलन नोट क्या है अभी, लिखिए इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस मतलब कि चार्ज के बीच में हवा है या वैक्यूम है, कर लोगे? यस सर नो। अगर चार्ज के बीच में मीडियम हो तो इसको ऐसे लिखते हैं एप्साइलॉन से, या कई बुक में इसको एम से लिखा जाता है, एम फॉर मीडियम्स के लिए, सिंपल हम लिखेंगे इसको एप्साइलॉन से, खाली एप्साइलॉन जीरो निकाल रखा हम लोगों ने, ये क्या लिखोगे इसको, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम भी, समझ में आ रहा है? yes, ये डिपेंड करेगा भाई हर एक, ये भी कांस्टेंट है एक्चुअल में, ये भी कांस्टेंट, खुद कांस्टेंट है ये, कर लोगे? ये डिपेंड करेगा हर एक मीडियम के लिए अलग वैल्यू होगी इसकी भी। दो हैं, एक तो एप्साइलन नोट बोलते हैं भी, इट इज फॉर फ्री स्पेस, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी फॉर फ्री स्पेस एप्साइलन, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम्स भी, अगर आपका मीडियम दे रखा तो सिंपल ये वर्ड यूज करोगे आप लोग। क्वेश्चन ये है भाई, ये इतने सारे कॉन्स्टेंट बना तो रख दिए हम लोगों ने, इसका वैल्यू तो निकालो, अब इसका यूनिट क्या होगा क्लास, पहले यूनिट निकालते हैं, यूनिट ऑफ एप्साइलॉन, एप्साइलॉन नॉट, इस फार्मूले से क्या निकाल सकते हो, एप्साइलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/4πk के, 1/4πk, और के का यूनिट हमको पता है अभी, इसका तो होता ही नहीं है 4π का, तो इसका कितना है, न्यूटन्स मीटर स्क्वायर पर कॉलम स्क्वायर, के का भी निकला था, उल्टा करना पड़ेगा भाई, एप्साइलन नॉट इज इक्वल टू, लिख सकता हूँ न्यूटन इनवर्स मीटर माइनस टू सी स्क्वायर, सही है कि नहीं है? वैल्यू निकालने के लिए वैल्यू ऑफ एप्साइलन नॉट कितना आएगा भाई, 1/4π, पाई कितना होता है 3.14, के का वैल्यू कितना था 9×10⁹, सारी चीज़ें हमारे पास 8.85, 10⁻², न्यूटन्स इनवर्स मीटर माइनस टू कॉलम स्क्वायर,
ओके 8.85 10 की पावर माइनस 12 न्यूटन इनवर्स, सही है, मीटर माइनस 2 कॉलम स्क्वायर, याद रहोगे पहले भी, एनी प्रॉब्लम भाई? ये सारा किसके लिए कर रहे हैं? एसआई सिस्टम के लिए भी हो जाएगा भी, फोर सीजीएस सिस्टम भी। सीजीएस सिस्टम के लिए के का वैल्यू 1 होता है, के का वैल्यू कितना होता है 1, यूनिट क्या रखोगे? जरूरत नहीं यूनिट लिखने, लेकिन फिर भी यूनिट क्या लिखोगे बताइएगा? न्यूटन की जगह क्या लिखोगे? डाइन। ओके के की पूछ रहा हूँ, नोट एब्सोल्यूट नोट, के की डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर और स्टैट कॉलम भी STAT यूनिट होती है, सीजी यूनिट ऑफ चार्ज भी, बाकी भी करवाई नहीं मैंने कुछ इन के बारे में, मैं तो भी फोर्स निकाल रहा हूँ सिर्फ, जरूरत नहीं लिखने की, फिर भी लिख रहे हैं लिख दो कोई नहीं। स्टैट कॉलम होती है सीजी यूनिट चार्ज की भी, स्टैट कॉलम कर लोगे हो जाएगा, और के का वैल्यू कितना होता है 1, एनी प्रॉब्लम भाई? कर पाओगे? तो मेरा फोर्स कैसे लिखूं? ऐसा 1/4πε0 Q1 Q2 by R square, yes or no? This is the Coulomb's law in electrostatics way. K की जगह पे क्या रख दिया? 1/4πε0 इसको दिखाता है फोर फ्री स्पेस पे, मीडियम हो तो जीरो काट दो इसकी, कर लोगे भी? एनी प्रॉब्लम क्लास? पता नहीं क्या बोल रहे हैं, हो गया तो टॉपिक कंप्लीट, कॉलम सला पूरा हो गया, मजा आया अभी नहीं आया? सब कर दे अभी बॉयज, कुछ समझ में आ रहा अभी? अभी टॉपिक पूरा नहीं हुआ, अभी यही हुआ है अभी तो, ठीक है? देखो अभी लास्ट कुछ सालों में जो प्लस टू क्लास के हिसाब से जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो पूछे गए हैं MCQs में, डायमेंशन फार्मूला निकल गया इम्पोर्टेंट, प्लस टू में निकाल लेते हैं इसको, प्लस वन में निकाल लेते हैं, हम दो भी निकाले थे प्लस टू में, निकालने के बाद हम निकालते नहीं हैं अभी, हम बड़ी क्लास में जाते हैं, छोटी मोटी चीज़ें निकालते नहीं फिर, ठीक है? क्वेश्चन एग्जाम में यही क्वेश्चन आ रहे हैं अभी MCQs के अंदर भी, कोई दो तीन सालों से ऑब्जर्व कर रहे हैं हम लोग इसी बात को, तो डायमेंशन फार्मूला कर सकते हो के का भी, रेफरेंसन फार्मूला ऑफ के का फार्मूला क्या था अभी? FR² / Q1 × Q2 यही था, और डायमेंशन फार्मूला ऑफ फोर्स भी m1L1T-2 हो गया, डिस्टेंस का L2, चार्ज का भाई करंट का होता है, डायमेंशन चार्ज का नहीं होता, करंट का होता है, यस आर नो? करंट का क्या होता है? एम्पियर, ठीक है? और करंट क्या होता है भाई, आपको पता होना चाहिए भाई, करंट होता है चार्ज बटे टाइम भी, 10th क्लास में पढ़ा होगा, चार्ज बटे टाइम, तो चार्ज का कितना होगा IT, इसका ए टाइम का कितना हो गया टी, AT होगा, यस आर नो? चार्ज का AT भी, और डबल किया गया उसके, सही है कि नहीं है? दोनों चार्ज ही तो हैं, कितना हो गया M1, L कितना भाई? L3, सही है कि नहीं है? T2 ऊपर T2 गया, T4 A-2 भी, क्या मैंने सही लिखा? यस आर नो? क्या आप निकाल सकते हो डायमेंशन फार्मूला ऑफ ε0? इसका उल्टा होगा भाई किएगा, 4π का होता नहीं है, ε0 का वैल्यू कितना होता है 1/4π के, यस आर नो? उल्टा कर दें, पूरा रिवर्स फैक्टर में कितना आएगा? m-1 l-3 t4 a2, सही है कि नहीं है? ये डायमेंशन पर वाले पूछे गए हैं एग्जाम्स में भी, इसलिए करवाने पड़ रहे हैं अभी, नहीं तो कोई मुश्किल तो है नहीं निकालना, अगर आपको पहले वाले आते हो तो निकाल लें। यूनिट ऑफ चार्ज भी
यस भाई, नेक्स्ट टॉपिक है यूनिट ऑफ चार्ज। लिखिए एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज क्या होती है? कॉलम्स, सी ओ यू एल ओ एम बी, ये होगा कॉलम की स्पेलिंग भी कर लोगे। इसको सी से लिखते हैं अभी, ओके। आपको वन कॉलम चार्ज को डिफाइन करना है अभी, तो कैसे करें? फार्मूला क्या फोर्स का भी, के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर, यस आर नो? आपको सब कुछ वन करना है अभी, कैसे करोगे बताइएगा? चार्ज वन कॉलम होगा अभी, क्यू वन क्यू टू बराबर है वन कॉलम, वो तो वन आंसर आएगा। डिस्टेंस कितना? वन मीटर का, तभी वन आंसर आएगा। अब प्रॉब्लम क्या, के का वैल्यू होता है भाई, कितना वैल्यू था के का? नाइन, टेन की पावर नाइन, ये वैल्यू के का अभी। ये कैसे काटूँ, इतना ही यहाँ पे भी हो जाए वैल्यू, तो फोर्स की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? नाइन टेन की पावर नाइन न्यूटन्स हो गए, तो सारा आंसर वन हो जाएगा अभी। चेक कर लो, यस सर ना, देख लो यहाँ पे कितना आएगा, नाइन टेन की पावर नाइन इज इक्वल टू नाइन टेन की पावर नाइन के की वैल्यू इंटू वन वन कॉलम इंटू वन कॉलम बाई वन मीटर स्क्वेयर, सही है कि नहीं है? तो कैसे डिफाइन करोगे वन कॉलम चार्ज को यहाँ से भी? चार्ज की पहली बार क्या आ रही है, डेफिनेशन आ रही है अभी क्लास, यस आर नो? बनाई हुई डेफिनेशन कैसे बनाओगे वन कॉलम चार्ज को? वन कॉलम चार्ज इज दैट चार्ज, ओके बता दो, विच हैव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन ऑफ नाइन टेन की पावर नाइन न्यूटन्स प्लेस्ड एट वन मीटर डिस्टेंस इन एयर और स्पेस, उनके बीच में क्या हो? हवा हो। कर पाओगे? दोबारा डिफाइन करो इसको, कैसे बताओ? वन कॉलम चार्ज कौन सा है? वन कॉलम चार्ज वो चार्ज है भाई जिनके बीच में फोर्स कितना हो, नाइन टेन की पावर नाइन न्यूटन्स, और उनको रखा जाए वन मीटर डिस्टेंस के बीच में, उनके बीच में क्या हो, एयर या वैक्यूम्स हो गए, सही है? लिखो फिर, लिखिए वन कॉलम चार्ज इज दैट अमाउंट ऑफ चार्ज विच वैन प्लेस्ड इन वैक्यूम at a distance of one meter from each other having बुक में वर्ड यूज किया सिमिलर चार्ज भी, हम मर्जी है हमारी कैसे हम लोग कर लोगे, having force of attraction or repulsion of 9 10 की पावर 9 न्यूटन्स, इसको बोलते हैं वन कॉलम ऑफ चार्ज, डेफिनेशन ऑफ चार्ज भी कर लोगे, बनाई हुई डेफिनेशन है, वैसे तो चार्ज क्या है, प्रॉपर्टी होती है भी, हो जाएगा भी ऑफ चार्ज। ये होती है स्टेट कॉलम भी, क्या होती है स्टेट कॉलम, बुक में दे रखा है क्या स्टेट कॉलम है बुक में, कई नाम दे रखे हैं, एक और है, इतना हो गया भाई, इसका एक नाम और भी है, वन इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट्स भी, वन इलेक्ट्रो स्टैटिक यूनिट, इसको वन ई एस यू बोलते हैं, वन इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ई एस यू कर लोगे, बाय चांस एग्जाम में आ जाए। एक और वैसे तो बुक में फ्रैंकलिन भी दे हुई है, इतना कुछ करना नहीं हमको, समझ में आया? क्या लिखेंगे, स्टेट कॉलम और
इसको डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, ऐसे कर भी सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। अभी वन कॉलम इज इक्वल टू 3×10^9 स्टेट कॉलम भी याद रख लो, बस कोई यूज नहीं करना हमको इनका। फोर्थ एक वेक्टर क्वांटिटी है, पता है इस बात का? डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, कुछ लोग कुछ तो आंसर होना चाहिए डायरेक्शन का भी। तो नेक्स्ट टॉपिक है कॉलम्स ला इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर का तरीका एक ही यूज करेंगे, बुक में दो तीन यूज कर रखे हैं, हम यूज करेंगे पोजिशन वैक्टर की टर्म में भी सारा टॉपिक्स भी, क्योंकि उसी में करना आखिरी है मेरे को, ठीक है। देखो दो फोर्स के बीच में क्या होता है, सॉरी दो चार्ज के बीच में क्या होता है, रिपल्शन होती है, अट्रैक्शन भी हो सकती है और रिपल्शन भी हो सकती है, डिपेंड करता है लाइक है कि अनलाइक चार्जेस हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या है भाई, दो चार्जेस हैं अभी, दिस इज क्यू वन चार्ज, इसका पोजिशन वैक्टर आर वन मान लेते हैं, वट इज पोजिशन वैक्टर, जो इसकी एग्जैक्ट पोजीशन बताए भाई कि कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, कर पाओगे? सेकंड चार्ज इट इज क्यू टू चार्ज, डायग्राम नहीं बनाना आपको अभी, ये पोजीशन वेक्टर कितना है आर टू। देखो इनके बीच में अगर फोर्स है तो एक कोई तो मानना पड़ेगा कि लाइक है कि अनलाइक है, तभी हो सकता है। मान लेते हैं कि लाइक चार्ज है तो क्या होगा, रिपल्शन होगी, यस और नो? कैसे होगी भाई, ये ए बी ए, इसको पॉइंट ए मान लें कि पॉइंट ए पर रखा गया, ये पॉइंट बी पर रखा गया, ठीक है। तो अगर आप ऑब्जर्व करोगे, अगर ये लाइक चार्जेस हैं, डायग्राम नहीं बनाना तो लिखना शुरू कर दो, बस लिख लीजिए, कंसीडर वी हैव टू लाइक चार्जेस भी, कंसीडर वी हैव टू लाइक चार्जेस, माना हुआ है, मर्जी आपकी कैसे मानो, आप च्वाइस आपका, कर लोगे भी। Having position vector, having position vector r1 and r2, having position vector r1 and r2, okay? अगर ये like charges हैं तो पक्का है repel तो करेंगे भी, कैसे करेंगे देखिए, f12, इसका मतलब क्या है कि वन पे फोर्स लगा रहा है, कौन लगा रहा है, टू लगा रहा है, इसको एफ ए भी लिख दो तो ऐसा क्या कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको कर लोगे भाई। इसका मतलब क्या है, फोर्स लग रहा है भाई किस पे, फोर्स ऑन वन, कौन लगा रहा है, ड्यू टू टू, किस तरह का फोर्स है, रिपल्सिव फोर्स भी, यस और नो? एक ये भी हो सकता है भाई, एफ टू वन मतलब फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, एनी प्रॉब्लम भाई? टू पे कौन लगा रहा है, वन लगा रहा है, डायरेक्शन कुछ ना कुछ तो यूज़ करोगे। अगर मेरे को जाना हो वन से टू की तरफ, इसको मैं ऐसे लिखूँगा, इन टर्म ऑफ पोजिशन वैक्टर, इन टर्म ऑफ यूनिट वैक्टर, डायरेक्शन देने के लिए, यूनिट क्या देता है, डायरेक्शन देता है, कहे जा रहे हैं हम जा रहे हैं फ्रॉम वन टू टू, वन से टू की तरफ जा रहे हैं, क्या सर नो? आर टू वन का मतलब क्या है, हम जा रहे हैं फ्रॉम टू टू वन, क्योंकि डायरेक्शन आनी है, तो इसलिए मैंने लिखा है इन चीज़ों को भी, हो जाएगा भाई, राइट कीजिए। कर लेते हैं एफ वन टू, अगर मैं एफ वन टू को लिखूं भी, कैसे लिखूंगा, एफ वन टू इन टर्म ऑफ फोर्स भी, सिंपल है, वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, कौन सा आर कहाँ है, इनके बीच का डिस्टेंस भी, कर लोगे, क्या लिखें, ए बी स्क्वेयर, यस आर नो? इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, ए बी, निकालना पड़ेगा, बातें नहीं, तुम जो चेयर ले लो ना भाई, चार बैठे हुए हम बैठे जाओगे, अच्छा अच्छा तो F12 भी, वन को कौन धक्का मार रहा है भाई, टू, कैसे मारेगा, वन को धक्का कौन मार रहा है, ये मतलब इस बात का, वन टू का मतलब है, वन पे कौन फोर्स लगा रहा है, टू, किस तरह फोर्स है, रिपल्सिव फोर्स है, तो वन को कौन धक्का मारेगा भाई, टू, ऐसे मारेगा, यस और नो? तो किसकी डायरेक्शन आ गई है,
एफ वन टू फोर्स के भी, एफ वन टू फोर्स, ऐसे हम कैसे जा रहे हैं, टू से वन की तरफ जा रहे हैं, यस और नो, टू से वन की तरफ। डायरेक्शन दिखाऊं तो फ्रॉम टू टू वन, यस और नो, टू से वन की तरफ बाय यूजिंग यूनिट वेक्टर्स। एनी प्रॉब्लम भाई, कर पाओगे? अब मैंने प्रॉब्लम रहेगी मेरी ए भी निकलना, क्या मैं ट्रायंगल्स यूज कर सकता हूँ, ये पॉइंट ओ मान लें, इन द ट्रायंगल्स ओ ए बी, इन द ट्रायंगल ओ ए बी, इस ट्रायंगल में चेक कर सकते हो क्योंकि सारे वेक्टर ही हैं, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन के हिसाब से कौन सा रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट कौन सा होता है, दो अपोजिट ऑर्डर में होता है उसको क्या बोलते हैं, रिजल्टेंट कौन है भाई, देखिए ओ बी और बी ए का हेड और स्ट्राइक कर रहे हैं टेल के साथ भी, कर लोगे ये सेम ऑर्डर में, यहाँ पे हेड स्ट्राइक कर रहे हैं अपोजिट ऑर्डर में है, तो ये क्या है इसका रिजल्टेंट हो सकता है, तो मैं लिख सकता हूँ ओ ए वैक्टर इज इक्वल टू किसके भाई, ओ बी वैक्टर प्लस ए बी वैक्टर भाई, क्या बी ए लिख दो प्रॉब्लम पड़ती इस बात से भी, कर लोगे यस और नो, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए बी, मैं लिख सकता हूँ ओ ए माइनस ओ बी, यस और नो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओ ए एंड ओ बी, ओ ए क्या है भाई आर वन वैक्टर माइनस आर टू वैक्टर, तो मेरे पास ए बी का वैल्यू हो गया अभी, सही है पुटिंग द वैल्यूज भी, अभी नहीं लिखते बाद में लिखेंगे, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्लास, इसको नाम देते हैं टू वन भी, कुछ तो होगा, यस और नो, मैंने टू वन क्यों लिया इसको, इसको वन टू ले लेते हैं, प्रॉब्लम नहीं इस बात से, मैं कोई दिक्कत नहीं है, टू वन क्यों लिया, मैथमेटिक्स में टू वन लेते हैं इस तरह की चीज़ें को, अगर आपको लिखते हैं ना मैथ में एक अपने लाइन्स के बारे में पढ़ा होगा अभी, इसको आर टू वन बोलते हैं, मतलब वन में से टू माइनस किया गया, मैथमेटिक मैथ वालों को पता होगा इस बात का, कितना वैल्यू होगा भाई एफ वन टू का, वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू बाई ए बी का कितना भाई आर टू वन स्क्वेयर आर टू वन यूनिट वेक्टर्स, क्या मैंने सही लिखा, मैंने ये क्यों लगा दिए, मैग्नीट्यूड को दिखाने के लिए, ऐसा क्यों किया, मैंने डायरेक्शन क्यों दिखाई, यहाँ पे गुणा किया गया है, स्क्वेयर है भाई दो का डॉट के साथ में, और वेक्टर डॉट ऑफ टू वेक्टर इज ऑलवेज स्केलर भाई, ये डिस्टेंस है सिर्फ और कुछ नहीं है, और डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी भी, यस और ना, कर पाओगे, वैल्यू यूज कर रहा हूँ सिर्फ इसकी मैं, इसको अगर ये नहीं लिखना हो ना इसको काट दो, क्या काटो वैक्टर बिठा दो यहाँ से, देखो भाई इसका मतलब ये है भाई, ये लिख दिया मैंने और ये लिख दिया मैंने, एक ही बात अभी समझ में, ये भी मैग्नीट्यूड है, ये भी क्या है मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर भी, कर पाओगे अभी, ये सर ना, तो यहाँ तक हो गया समझ में आया अभी, किसी वेक्टर को कैसे लिखते हैं हम लोग, किसी वेक्टर को लिखते कैसे, ए वेक्टर लिखा मैंने, ऐसे लिखते हैं ए का मैग्नीट्यूड और ए का यूनिट वेक्टर में, ये तरीका यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का, इट गिव द वैल्यू इट गिव द डायरेक्शंस भी, यस और नो, पता है कि नहीं पता, तो इसको कैसे लिखें, ये यूनिट वेक्टर यूज नहीं करना मेरे को, हमको पूरा वेक्टर बनाना है, इस पूरी इक्वेशन को मैग्नीट्यूड से गुणा करो मैग्नीट्यूड से भाग दे दूं, कैसे भाई, देखिए एफ वन टू इज इक्वल टू वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू आर टू वन का स्क्वेयर आर टू वन यूनिट वेक्टर, मैंने क्या किया आर टू वन से गुणा किया और आर टू वन से भाग दिया, कुछ फर्क पड़ने वाला है, वैसे भी पड़ेगा भी, गुणा भी किया भाग भी दिया, मैंने तेरे को 500 रुपये दे रहा हूँ वापस ही 500 रुपये ले लिए, कुछ फर्क पड़ा भाई, खुश तो हो गया तुम एक बार तो, है ना भाई, ये सर ना हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा भाई इससे, अब ये देखिए ये क्या है, ये मैग्नीट्यूड है ये यूनिट वेक्टर है, ये नहीं बन रहा ऐसा कुछ, इट बिकेम कम्प्लीट वेक्टर भी, यस और नो, तो मेरा एफ वन टू का वैल्यू कितना हुआ अभी, वन बाई फोर बाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन टू
बाई आर टू वन कितना लिखूं, 3 पावर हो गया, यस आर नो? और ऊपर वाला आर टू वन कंप्लीट वेक्टर हो गया भाई, अरे हो गया एक फार्मूला ये बन गया अभी, एक नीचे वाला था भाई फार्मूला, ये बनाया था नहीं बनाया तुम लोगों ने, सेकंड फार्मूला बन गया ये, ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर टू वन भी, या ए बी का वैल्यू कितना था पहले, ए बी वेक्टर इज इक्वल टू, यानी इसको मैंने आर आर टू वन लिया था ना, कितना वैल्यू था, आर वन माइनस आर टू भी, आर वन माइनस ए आर टू, पुटिंग द वैल्यूज भी इसमें पुट कर दो, कितना आंसर होगा भी, एफ वन टू इज इक्वल टू 1/4 pi एप्सिलॉन नॉट, ये बार बार लिखवा रहा हूँ इसकी, अब क्या लिख सकता हूँ, क्यों याद हो जाए भाई, बढ़ गया ये कर लोगे, क्यू वन क्यू टू नीचे क्या लिखूँ बताओ, आर वन माइनस आर टू का पावर 3, चेक कर लो, और यहाँ पे आर वन वैक्टर माइनस आर टू वैक्टर, भाई वैक्टर फॉर्म लिखना कंप्लीट फॉर्म में, यहाँ पे एक फार्मूला ये बन गया भाई। अब ये तो फार्मूला चेक करो, इस फार्मूले में सर्व क्या है, पोजिशन वैक्टर आया हुआ है आर वन आर टू की टर्म में, दिस इज द फोर्स इन टर्म ऑफ पोजिशन वैक्टर, समझ में आई बात भाई, हमने क्या निकाला, हमने एफ वन टू निकाला भाई, क्या आप एफ टू वन निकाल सकते हो, एफ टू वन क्या फर्क पड़ेगा भाई, अगर एफ टू वन को लिखूँ तो फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन भाई, यस आर नो, हो गया भी ये हो गया। अब यहाँ पे देखो भाई, हमने को अभी निकालना है एफ टू वन, कौन लगा रहा है फोर्स, किस पे लगा रहा है, वन लगा रहा है, टू पे लगा रहा है, कैसा फोर्स है, रिपल्सिव फोर्स है, तो टू को कौन धक्का मार रहा होगा भाई, वन कैसे मारेगा, इस तरफ से, यस आर नो, यहाँ पे एफ टू वन, यस आर नो, अब की बार ऐसे आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, वन से टू की तरफ जा रहे हैं, तो फोर्स कैसे लिखोगे, लिखना नहीं है, कैसे लिखोगे वैसे, 1/4 pi एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू बाई आर टू वन, ये भी ले लूँ पहले तो उसको, ऐसे और ना स्केयर था, और कहे जा रहे हैं वन से टू की तरफ, सही है ना, वन से टू की तरफ, अगर आप ढंग से ऑब्जर्व करो ना भाई, जहाँ पे मेरा टू था वहाँ पे मैं वन कर दिया, वन था वहाँ पे टू कर रखा है, ऐसे और ना, इसका ये वैल्यू कितना होगा, अब कौन है इसमें रिजल्टेंट कौन है, तो लिख सकता हूँ आर टू माइनस आर वन इज इक्वल टू ए बी, उल्टा हो गया सारा टॉपिक्स, जहाँ पे वन था वहाँ पे टू हो गया, जहाँ पे टू था वहाँ पे क्या हो गया वन, इसको डायरेक्ट लिख दूँ सिमिलरली, यस सर नो, देख लीजिए सिमिलरली भी, सिमिलरली तीनों इक्वेशन लिखनी है भी आपको भी, कौन सी पहली इक्वेशन कौन सी थी, एफ टू वन, एफ वन टू, एफ वन टू वन, टू वन 1/4 pi एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू, यहाँ पे क्या था भाई आर वन टू का स्क्वेयर आर वन टू यूनिट वेक्टर्स, क्या मैंने सही लिखा, यस सर ना, पहली इक्वेशन ये होगी, सेकंड कौन सी थी, इज इक्वल टू 1/4 pi एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू, ये कितना था आर वन टू का पावर 3, आर वन टू कंप्लीट वेक्टर, यस सर, मैंने गुना किया था ना मैग्नीट्यूड से, गुना भाग किया था अभी, याद है कि नहीं है, और थर्ड क्या बना था, एफ टू वन इज इक्वल टू 1/4 pi एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू, अब बोलो यहाँ चेंज किया नहीं मैंने, कर लो भाई इसको क्यू टू कर दो, क्यू वन कर दो, गुना तो करनी, तुम्हें से कोई बोल देगा ये बात, इसको तो वन टू को टू किया नहीं मैंने, इसको वन नहीं किया, क्या फ़र्क पड़ता है, कर लो, चार ना भाई, चार स्केलर है, चार गुना तीन का तीन गुना चार, क्या फ़र्क पड़ता है भाई, वो तो किस में पड़ता है, वैक्टर में पड़ता है, अब जाके कर लोगे, नीचे भाई यहाँ पे आर टू था, आर टू माइनस आर वन का पावर 3 और आर टू माइनस आर वन, इसको कर पाओगे टॉपिक को सिमिलरली करके,
जहाँ पे वन है वहाँ पे टू डाल दो, जहाँ पे टू है वहाँ पे क्या डाल दो, वन डाल दो। टॉपिक कम्प्लीट। समझ में आई बात? रिलेशन कर लेते हैं, रिलेशन में रह गया हमारा। हमारे पास दो फोर्सेस थे अभी, एक एफ वन टू था, कितनी वैल्यू थी, 1/4 πε₀Q1Q2। यहाँ पे लिख सकता हूँ R21 था, यही था स्क्वायर R21 यूनिट वेक्टर भी। फर्स्ट इक्वेशन यही थी शायद, चेक कर लो एक बार, यही थी। और एक इक्वेशन ये थी भी, F21 is equal to 1/4 πε₀Q1Q2 by R12 था स्क्वायर R12 यूनिट वेक्टर्स भी। यही बना था इक्वेशंस, मोड था, क्या फर्क पड़ता, मैंने वेक्टर डाल दिया इसका ऊपर का, कर लोगे भाई। अब ये चीज़ क्या थी भी, R21 और R12 के एक्चुअल में पता आपको, डायग्राम चेक कर लो भाई। R12 आप 1 से 2 पे जाओ या 2 से 1 पे जाओ, ये AB बनता है दोनों में, ये AB तो है, यस और नो? चाहे आप R1 से 2 की तरफ जाओ या फिर 2 से 1 की तरफ जाओ, ये क्या बनेगा, AB बनेगा भी। कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगी भी, स्क्वायर मान लो, यस और नो? तो कैसे लिखें देखो इसको भी। और ये क्या है भाई, यूनिट वेक्टर्स हैं। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं भाई, R12 = R21, क्या मैंने सही लिखा है? यूनिट वेक्टर की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, दोनों की वैल्यू 1 है। क्या दोनों डायरेक्शन सही सेम है भाई, एक 1 से 2 की तरफ जा रहा है, एक 2 से 1 की तरफ जा रहा है। जब डायरेक्शन बदल जाती हैं तो क्या लिखते हैं हम लोग, माइनस साइन लिखते हैं। क्या मैंने सही लिखा, यस सर ना? क्या मैं R12 की जगह लिख सकता हूँ -R21 पे, कहाँ पे ये R12, ये रहा, लिख दो उसकी वैल्यू। तो कितना हुआ भाई, F21 = 1/4 πε₀Q1Q2 by R² ले सकता हूँ, यस और नो? और ये वाला -R21 यूनिट वेक्टर में, क्या मैंने सही लिखा, इसकी जगह पे क्या लिख दिया, अरे बता दो, सही लिखा है। यहाँ से माइनस को मैं निकाल सकता हूँ, F21 = -1/4 πε₀Q1Q2 by R² R21 यूनिट वेक्टर भी। सही है बात, अगर ढंग से चेक करो ना, देखो 1/4 πε₀Q1Q2 R² R21 ये बन रहा है कि नहीं है? तो इसको लिख सकता हूँ F21 = -F12 है, ये सारा 12 है भाई, ये रहा। अरे यार स्क्वायर हो गया, यस सर ना? बाकी तो वही है।